अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा आयोजित शहर के शास्त्री मार्केट में एक वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष डीएस गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान लॉकडाउन में एक बार फिर बाजार बंदी को लागू किया गया, जिसकी गाइडलाइन बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन को समय, काल और परिस्थितियों के स्थानीय स्तर पर गाइडलाइन बनाने के अधिकार दिए गए। प्रशासन द्वारा एक तरफा स्वविवेक से अस्पष्ट नियम बनाए गए और कुछ क्षेत्रीय बाजारों के व्यापारियों ने उसका खुला उल्लंघन किया गया, जिससे अन्य व्यापारियों में असंतोष व्याप्त रहा और उनमें से बहुत से व्यापारियों ने चोरी छिपे उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त होती रही। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की उत्पीड़न की शिकायतें भी संगठन को प्राप्त होती रही, जिसकी शिकायत संगठन द्वारा संबंधित अधिकारी से की जाती रही, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुनः एक ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रतिवेदन दिया, जिसमें सभी परिस्थितियों को वार्ता कर निर्णय हुआ कि व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके एक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को व्यापारियों के मध्य जमीनी परेशानियों पर अध्ययन कर उसे रोकने के लिए कहा गया। उसी श्रृंखला में शास्त्री मार्केट में एसडीएम सदर महोदय को आना था और इस वार्ता के लिए शास्त्री मार्केट में कुछ व्यापार मंडल के पदाधिकारी और स्थानीय बाजारों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, जो शायद एसडीएम सदर महोदय को बुरा लगा और वह कोई बात न करके सीधा दक्षिण थाने में जाकर पुलिस बल भेज दिया, जिसने वहां पर उपस्थित व्यापारियों और एक गुटखा का ठेल लगाए हुए व्यापारी का माल छीन कर जीप में डाला और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध वहां उपस्थित व्यापारियों ने किया। बताया कि हम आपके माध्यम से पुनः प्रशासन के रवैये के विरोध करते हुए मांग करते हैं कि कोरोना गाइडलाइनों का पूर्ण पालन कराते हुए सभी बाजारों को समान रूप से क्रमबद्ध तरीके से खोलने की शासन देश के अनुरूप नए आदेश निर्गत किए जाएं, जिससे भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। वहीं बीते दिन मामले में अगर किसी व्यापारी पर कोई कार्यवाही होती है के सवाल पर कहा तो हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, पर किसी भी व्यापारी पर कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे। चंद्रशेखर मार्केट शास्त्री मार्केट प्रेस वार्ता में उपस्थित उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बीएस गुप्ता के साथ प्रदेश महामंत्री रितेश अग्रवाल, प्रभारी संजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष विनोद महेश्वर, आशीष अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विजय टाइगर, युवा जिला अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार, चंचल गोयल, भरत गोयल, चंद्रशेखर मार्केट अध्ययन टुल्लू बंसल, निकेश जैन, यश ठाकुर, ऋषभ पारोलिया, अमन यस, राम लखानी, जतिन धरना, राहुल जैन, पीयूष जैन, अंकित अरोरा, अभय जैन, बजाज और भी अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से हमारे जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। यहाँ जो है एसडीएम महोदय तो आए नहीं, हालांकि उनको बुलाया जाता परंतु वो बाहर खड़े रहे। यहाँ सीओ साहब आए और सीओ साहब को हमारे जो विजय जी की दुकान में, मतलब हम कुछ चंद लोगों ने उनसे वार्ता की, अपनी सारी जो वार्ता की वो वार्ता उन्होंने मानी और उस बात को स्वीकार किया कि मैं तो क्या कहते हैं व्यापारी के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए और भविष्य में इस बात को आश्वस्त किया कि भाई ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आपको क्या लगता है आने वाले 1 जून से व्यापारी को क्या कुछ छूट मिल पाएगी? इस नहीं, व्यापारी को निश्चित रूप से छूट तो मिलने जा रही है, पर मे भी उसको मतलब वो कितने घंटे के लिए या उसकी एक व्यवस्था जो है जरूर बनेगी, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि एक साथ मार्केट में भीड़ न हो, क्योंकि अगर कोविड के केस कम हुए हैं तो हमारी गलती से या किसी तरीके से जल्दीबाजी में